आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग करने वाले हैं जो आवाज़ के परावर्तन के नियम के बारे में है। इस प्रयोग को करने के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता है वो इस प्रकार से है: ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़, स्टॉपवॉच, दर्पण, और अगर दर्पण ना हो तो कोई भी समतल सतह वाली वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित कर सके, जैसे किसी धातु की थाली, खोखली नली बनाने के लिए कार्डशीट, पेन और लकड़ी से बना स्क्रीन। चलिए अब हम प्रयोग आरंभ करते हैं। इसके लिए हमें सारे उपकरणों को ठीक उसी प्रकार से रखना है जैसे आपके जर्नल अर्थात प्रयोग पुस्तिका में दिया गया है। अब हम स्टॉपवॉच को पाइप P1 के अंत में रखेंगे और P1 को इस प्रकार रखेंगे कि वो लंब के साथ 30 डिग्री कोण बनाए। इस कोण को आपाती कोण कहा जाता है। अब पाइप P2 को इस प्रकार रखें कि उसका एक सिरा परावर्तन वाले पाइप की ओर निर्देश करता हो। अब आप अपना कान पाइप P2 के दूसरे सिरे के नज़दीक लाएं। अब पाइप P2 को सतह की ओर ले जाएं जहां से आपको घड़ी की अर्थात स्टॉपवॉच की टिक टिक स्पष्ट रूप से सुनाई दे। अब परावर्तन के कोण R को नापें। चलिए अब हम परावर्तन के कोण R को और आपाती कोण I को नापते हैं। आपाती रेशा परावर्तन और लंब के बीच जो कोण तैयार हुआ है अब हम उसे नापेंगे। इन निरीक्षणों के आधार पर हम ध्वनि के परावर्तन के निम्नलिखित नियमों को सिद्ध कर सकते हैं: आपाती कोण के बराबर परावर्तन का कोण R, आपाती किरण लंब और परावर्तित किरण एक ही सतह पर होती है।